आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हमारा नया मेथड, ठीक है। चैप्टर हमारा चल रहा है गुडविल, एंड मेथड नंबर इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? कहता है गुडविल इज इक्वल टू, सिंपल एवरेज में एवरेज प्रॉफिट लेते रहे, यहाँ वेटेड एवरेज लेते हैं। ये कहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो बस यही फर्क है, वहां सिंपल एवरेज लेते थे, यहां वेटेड एवरेज लेते हैं, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में फर्क क्या है? तो सिंपल एवरेज में हम हर साल को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, तो सबकी जितने भी प्रॉफिट है सबको हम जितने भी नंबर ऑफ ईयर है उससे डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है, ठीक है, ये कहता है कि भाई साहब जो रीसेंट लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो ज़्यादा रेलिवेंट है गुडविल निकालने के लिए एज कम्पेयर टू, ठीक है, अर्लियर प्रॉफिट्स, जो हमारे पहले पुराने पिछले सालों में प्रॉफिट्स हुए हुए हैं, 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले, वो कम रेलिवेंट है। जो अभी लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ वो ज़्यादा रेलिवेंट है, फिर उससे पहले जो प्रॉफिट हुआ वो रेलिवेंट है, ठीक है। तो कहते हैं आप इंपॉर्टेंस दो, जो लेटेस्ट ईयर्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो और जो प्रीवियस ईयर्स हैं, ठीक है, उनको कम इंपॉर्टेंस दो। तो कहता है उन्हीं इंपॉर्टेंस को हम जब वैल्यूज दे देते हैं तो उसको बोलते हैं वेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है मेरा ईयर 2021, या सबसे पहले ले लेते हैं 2015 16, 16 17, 17 18, 18 19, 19 20, ये 5 साल हैं। इनके मैं आपको प्रॉफिट्स बता रहा हूँ। इस साल 1 लाख कमाया, फिर 2 लाख कमाया, फिर 2.5 लाख कमाया, फिर 3 लाख कमाया, फिर 4 लाख कमाया। तो वो कहता है इन सभी इयर्स को आप वेट्स दे दें इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वेट आप किसको देंगे? जो लेटेस्ट ईयर होगा, मतलब 1920। तो अब ये देखिए, ये है 1, 5 साल है, तो आप सीक्वेंस बना लो, 1 2 3 4 5 है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर क्या हुआ? 5। तो 5 वेट्स इसको दिए, 4 वेट्स इसको दिए, 3 वेट्स इसको, 2 इसको, 1 इसको, तो ये इनको हमने वेट्स दे दिए, ठीक है। मतलब पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस दे दिए कि अगर ये 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, तो ये 5 गुना ज़्यादा, 5 गुना इंपॉर्टेंट है। तो अब ये देखिए टोटल क्या आ जाएगा इसका? 15। अब यहां पर हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट ले लो। इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, टेक अ प्रोडक्ट ए इंटू बी, तो ये आ जाएगा 1 लाख, 4 लाख, 7.5 लाख, 12 लाख और 20 लाख। अब इस प्रोडक्ट का हमने टोटल ले लेना है, कितना आ जाएगा? 4 1 5, 12.5, 24 लाख 50 थाउजेंड, 44 लाख, ऐसा करते हैं इसको भी 2.5 लाख ले लेते हैं, ये 45 लाख हो जाएगा, ये आ गया टोटल 45 लाख। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स हम कैसे निकालते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालने का तरीका है टोटल ऑफ प्रोडक्ट कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ये आप स्टैट्स के अंदर भी कर चुके हैं फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट कॉलम का टोटल है 45 लाख और वेट्स का टोटल है 15, तो ये आ जाएगा 3 लाख। ये आ गए आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपके सामने आ गए, जैसे ही आप इसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट योर आंसर। इससे कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, वो क्वेश्चंस कौन से थे? वो क्वेश्चन थे 11 और 12, वो मैं करवाता हूँ आज की क्लास में, करवा दूंगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या कह रहा है? 3 इयर्स परचेज, मतलब गुडविल की परचेज कितने साल के लिए हो रही है? 3 साल के लिए। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है? कितने साल के लिए? 4 साल के। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स आर 25,000, 27,000, 46,900, 53,810। द वेट्स असाइन टू ईच ईयर आर, वेट्स यहाँ पर दे दिए गए, देखो 1 2 3 4, ठीक है,
यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो क्या है, 1 अप्रैल 2016 अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन, मेजर प्लांट रिपेयर करी गई 10,000 की, विच वॉज चार्ज टू रिवेन्यू, इसको हमने रिवेन्यू चार्ज कर दिया, ठीक है। खर्चे दो तरह के होते हैं, रिवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, ये आप क्लास 11th के बेसिक्स में पढ़ चुके हैं। तो ये जो मेजर रिपेयर्स होती हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। मेजर रिपेयर मतलब जो हमारी एसेट्स को बढ़ाए, इंक्रीज करे, हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करें। तो कह रहे इसको हमने रिवेन्यू चार्ज कर दिया, मतलब नॉर्मल खर्चों में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। लिख लेना यहाँ पर आपकी बुक के अंदर जो भी ये क्वेश्चन नंबर है, यहाँ लिख लेना, ठीक है। इसको हमने एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, नॉर्मल एक्सपेंस, लेकिन आना क्या था, ये एसेट्स के अंदर जाना था। कह रहा था सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन, इसको हमने कैपिटलाइज करना था। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, इसको एसेट्स में दिखाना था। टू एडजस्ट, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्शन 10%, और इस पर 10% डेप्रिसिएशन भी लगना था, ठीक है। अब वो कह रहा है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 2018 ओवर वैल्यूड बाय 1000 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है ये जो 17 और 18 के स्टॉक हैं, तो 17 का स्टॉक मैंने 1000 से बढ़ा के लिखा हुआ है और 18 का 2000 से, तो इसको हमने ठीक करना है। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कहते हैं मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए 5000 रुपये हर साल का, हर साल में हमें दिखाना है उस कॉस्ट को, ऐड करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 11, 12 जो मैंने आपको अभी कहा था कराऊंगा मैं, वो भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से समझना है आपने। सबसे पहले हम ईयर ले लेते हैं, ईयर इज 2016, 17, 18 और 19, तो 2016, 2017, 2018 और 2019, इनके प्रॉफिट्स ले लो। क्वेश्चन ने जो कहा हमें वही करना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। 25,000, 27,000, 46,900, 53,810 ये हमारे प्रॉफिट्स हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट्स बोली हमें करते जाना है। 1 अप्रैल 2016 में हमने प्लांट रिपेयर कराई थी। अच्छा एक चीज याद रखना, ये 16 का मतलब है 15, 16, 16, 17, 17, 18 और 18, 19, ठीक है। एक हमने रिपेयर कराई थी 10,000 की, जो कैपिटलाइज होनी थी, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर था हमारा, एसेट्स में जाने वाला खर्चा था, हमने उसको नॉर्मल खर्चों में डाल दिया। तो 16-17 के अंदर 10,000 रुपये आप वापस ऐड कर दो, यहां आप अपनी रेफरेंस के लिए लिख सकते हो मशीन रिपेयर, ठीक है। अब ये 10,000 रुपये आपकी एसेट्स में चले गए, है ना, मतलब मशीन के अंदर चले गए। अब इस मशीन पे हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, वो लगाना शुरू कर दो। 1,000 रुपये लगा पहले साल, वैल्यू रहेगी 9,000, तो पहले साल 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया, वैल्यू रहेगी 9,000। फिर अगले साल दोबारा डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, क्योंकि आप एसेट में दिखा रहे हो तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा। अगले साल लगेगा 900। अब आप कहोगे सर आपने 900 कैसे ले लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या होता है, जो बैलेंस आपका रिड्यूस हो रहा है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। दूसरा मेथड कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट, जिसमें हर साल 1,000-1,000 रुपये लगता, ठीक है। तो 8,100 वैल्यू आ गई, फिर डेप्रिसिएशन 10% लगा, 810 वैल्यू आ गई 7,290, तो यहां पर हमने लेस कर दिया 810 डेप्रिसिएशन। फिर अगले साल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 729, 729, तो यहां अगले साल 729 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया। सोलह सत्रह, सत्रह अठारह, अठारह उन्नीस, ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी, यहाँ 900 आएगा और यहाँ पर 810 आएगा, ये गलती हो गई मुझसे, इसको ठीक कर लो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट हमारी डन हो गई। इसके बाद आगे क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया गया। वर्ड ओवर वैल्यू का मतलब होता है ज़्यादा। इसके लिए मैं आपको एक अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट, आपने बचपन में बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट देखो,
जब आप क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हो तो क्रेडिट साइड पे आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को अगर आप बढ़ा दोगे, कितने से बढ़ा दोगे, 1,000 रुपये से बढ़ा दोगे, तो प्रॉफिट भी आपका 1,000 रुपये से बढ़ जाता है, जो गलत बात है ना। तो इसलिए आपको प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। कौन से साल के प्रॉफिट को? 2017 के प्रॉफिट को। तो 1,000 रुपये हमने, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के 1,000 रुपये कम कर दिए, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब आपको याद रहे एक बात, आपको समझ आनी चाहिए कि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो जब वो ओपनिंग स्टॉक अगले साल का बन गया तो ओपनिंग स्टॉक भी 1,000 रुपये से बढ़ गया। जब ओपनिंग स्टॉक 1,000 रुपये से बढ़ गया तो प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो 1,000 रुपये से कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट पे आता है, क्रेडिट साइड इनकम की साइड है, इनकम बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट पे आता है, डेबिट साइड एक्सपेंस की साइड है, एक्सपेंस बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस केस में आपको यहाँ पे 1,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक का जो ओवर वैल्यूएशन है वो ऐड करना पड़ेगा। मतलब एक साल की गलती दूसरे साल पे भी इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, नेक्स्ट। यही 2018 में हुआ 2,000 रुपये से। ठीक है, तो 2,000 रुपये से यहां पर भी ऐसा हुआ, यहां पर आ जाएगा 2,000 रुपये लेस हो जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक के, और अगले साल में 2,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक के ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस एडजस्टमेंट के बाद मैं आपसे क्वेरी पूछता हूँ कि आज इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। तो ये भी हमारी एडजस्टमेंट हो गई कवर, यही 11th 12th के अंदर मेजर एडजस्टमेंट थी। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट को कह रहे हैं 5,000 रुपये आपको हर साल में से माइनस करने चाहिए एनुअल कॉस्ट। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको इधर कर लूँ। हाँ जी, मैनेजमेंट कॉस्ट के आपने 5,000-5,000 रुपये हर साल में से लेस करने हैं। ठीक है, ये 5,000-5,000 हर साल में से लेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म इसकी एम कॉस्ट लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे ज़्यादा शॉर्ट करूँगा तो वो अच्छा नहीं लगता। ये हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट हो गई। ओके, तो अब हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स, जो है वो कितने हो गए, या एडजस्टेड प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं। ये आ गए 20,000, सारे प्रॉफिट्स बताइए कितने हो गए। तो ये हमारे प्रॉफिट्स आ गए। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट के 20, 30, 40, 50 तो याद हो जाएंगे ये। तो अब देखिए फिर से मैं यहाँ ईयर दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह शॉर्ट पड़ गई थी। 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20,000, 30,000, 40,000, एसी ऑन कर देना यार, 50,000, 1, 2, 3, 4। अब इनका प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 20,000, 60,000, 1,20,000 और 2,00,000। एक लाख 20,000, 2,00,000, 4,00,000 आ गया, और ये टोटल आ रहा है 10। जब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो यहाँ पर 4,00,000 को 10 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी 40,000। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ गए, और गुडविल कैसे निकल कर आएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। आई रिपीट, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मैंने क्या बताया था, इफेक्टिव पीरियड ऑफ गुडविल है, जितने टाइम तक ये प्रॉफिट कमाएगा, कमाने की एक्सपेक्टेशन है एक बिजनेस की अपनी गुडविल की वजह से। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आई थिंक इट वाज 3। तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई 1,20,000। कोई डाउट है तो यू मे आस्क। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 19 नाउ। महेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स एंड दे एडमिट नरेश इनटू पार्टनरशिप, दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज। ठीक है, 3 साल की परचेज है, यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है 5 साल का। दे असाइन वेट्स फ्रॉम 1 to 5 बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट ईयर एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, अर्लीस्ट ईयर का मतलब क्या है, 2015, 16, 17, 18, 19। एक मिनट, देन वो कह रहे ये हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं। स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील द फॉलोइंग। हमने जब बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करे तो ये चीजें मिली। सेकेंड हैंड मशीन वॉज परचेज फॉर 5,00,000 ऑन 1 जुलाई 2017।
एंड 1 लाख वर स्पेंड टू मेक इट ऑपरेशनल, तो टोटल हो गए 6 लाख. 5 लाख की मशीन खरीदी, 1 लाख उस पर लगाए. 1 लाख वर रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, 1 लाख को हमने रिपेयर्स अकाउंट में डाल दिया, हालांकि ये एसेट में जाना चाहिए था. मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है जी. क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वॉज अंडर वैल्यू है, कम है 50,000 से. रेम्यूनरेशन वो ऑफ टू पार्टनर वॉज टू बी कंसिडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 पर एनम फॉर ईच पार्टनर वॉज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट. वो कह रहा है 20,000 रुपये जो हम पार्टनर को सैलरी देते थे उसको चार्ज मानो, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल खर्चे की तरह ट्रीट करो. जब हम नॉर्मल खर्चे की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं. ईयर 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19. $1,25,000, $1,40,000, $1,20,000, $55,000, 2,57,000. अब यहां देखो, पांच एसेट क्या थी, हाँ ये क्या कह रहा था, 1 लाख रुपए को हमने रिपेयर्स में डाल दिया था. 1 जुलाई 2017 को हमने रिपेयर्स कराई थी 1 लाख रुपए की, और उसको हमने मेजर रिपेयर थी, वो कॉस्ट के अंदर ऐड होती है. जब कोई एसेट हम खरीदते हैं, मशीन खरीदी उस टाइम पे हमने कोई खर्चा करा तो उस एसेट की कॉस्ट में जाना चाहिए. तो हमने इसको 1 लाख रुपए को खर्चा मान लिया, जबकि ये खर्चा नहीं था. कौन से साल में हो रहा है, 17-18 में हो रहा है. तो 1 लाख रुपए को हमने खर्चा मान लिया था, इसे वापस ऐड कर दो, ये खर्चा नहीं था, ये हमारे लिए क्या थी, एसेट. 5 लाख को तो हमने एसेट दिखा दिया, लेकिन 1 लाख रुपए की जो मशीन थी वो हमने कम दिखाई, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए को खर्चे में दिखा दिया. तो मशीन में क्या डाला, कुछ भी नहीं डाला. अब जब हमने 1 लाख रुपए को खर्चे से वापस निकाल के मशीन में डाला तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा. डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, 20% पर एनम, 20%, ठीक है. 1 जुलाई को कराई ये रिपेयर हमने, 1 जुलाई को, तो 20% कितना हो गया, 20,000, और 9 मंथ्स के लिए हो गया 15,000. तो पहले साल लगा 15,000 का डेप्रिसिएशन, वैल्यू रहेगी 85,000. उसके बाद जो 20% डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस 85 पे लगेगा, क्योंकि मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. तो यहां पे लग गया 17,000 डेप्रिसिएशन और वैल्यू रहेगी 68,000, ठीक है. तो अगले साल लग गया 17,000 डेप्रिसिएशन. सबसे पहले तो इसमें कोई डाउट है तो वो आप मुझे बताओ. नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है. मैंने अभी अभी बताया था, अगर ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है. क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड की आइटम है, और क्रेडिट साइड की आइटम अगर अंडर वैल्यूड है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा. 50,000 रुपए से 17-18 का जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपए से अंडर वैल्यूड है, उसे बढ़ाओ, ठीक है. ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और अगले साल में ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगले साल का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाएगा, ठीक है. तो एक साल में अगर प्लस हो रहा, दूसरे साल में नेगेटिव माइनस हो जाएगा, ये भी हो गया. फिर कह रहा है 20,000 रुपए पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन को चार्ज मानो, मतलब 20,000 रुपए का खर्चा दिखाओ आप हर साल, जो देना ही देना है. तो हमारे प्रॉफिट 20,000 से हर साल कम हो जाएंगे, ठीक है. इसको मैं साइड कर देता हूं. हाँ जी, अब देखिए इसके बाद जो मेरे प्रॉफिट्स आएंगे दैट विल बी कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट्स, जो आ गए 1,05,000, 1,20,000, देन 1 लाख, देन ये आ जाएगा 1,55,000 माइनस 15, 140, 140 प्लस 50, 190, 1,70,000, 257, 240, 240 माइनस 70, 1,70,000. ये भी चेक कर लेना. तो अब इन प्रॉफिट्स को हमने लेकर वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं.
1,05,000, 1,20,000, 1,00,000, 1,70,000, 1,70,000। अब इनको हम वेट से देखिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। इसको सॉल्व करिए एंड यू विल गेट योर आंसर। कोई डाउट है तो पूछ लो। इसका प्रोडक्ट लेके अब सॉल्व करना है।